माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 15 अप्रैल को रात के 10:30 बजे पुलिस की हिरासत के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी पुलिस का कहना है कि ये हमला तब हुआ जब दोनों को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाया जा रहा था। कुछ दिन पहले 27 मार्च को उमेश पाल अपहरण केस में यूपी पुलिस उसे प्रयागराज लेकर आई थी। तब उसने सुप्रीम कोर्ट से अपनी सुरक्षा की मांग की थी। अतीक ने याचिका दायर कर अपनी जान को खतरा बताया था और उसका ये डर सही साबित हुआ। लेकिन किसके इशारे पर अतीक अहमद को गोलियों से छलनी किया गया, इस सवाल के जवाब में सबसे पहला नाम आ रहा है सुंदर सिंह भाटी का, जिसके साथ अतीक को मारने वाले कातिल सनी सिंह का कनेक्शन सामने आया है। गैंगस्टर सुंदर भाटी पर उंगली उठने की वजह है जिगाना पिस्टल, जिसे अतीक अहमद पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। सूत्रों का कहना है कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले सनी सिंह का पश्चिम उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी से कनेक्शन था। हमीरपुर जेल में बंद रहने के दौरान सनी सिंह सुंदर भाटी का करीबी हो गया था। हमीरपुर जेल में सनी सिंह लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बंद था। जेल में भी सनी सिंह की दबंगई जारी थी। सनी की दबंगई को देखकर ही गैंगस्टर भाटी उसे अपने करीब लाया और धीरे धीरे सनी उसका चेला बनता गया। कुछ समय बाद सुंदर भाटी को हमीरपुर से सोनभद्र जेल में भेज दिया गया और सनी भी जेल से बाहर आ गया। इसके बाद वो भाटी के गुर्गों के संपर्क में रहने लगा। सुंदर के गैंग के पास AK-47 समेत कई खतरनाक हथियार हैं। उसका संपर्क पंजाब के असलहा तस्करों और गैंगस्टर से भी रहा है। माना जा रहा है कि अतीक और अशरफ के हत्या के आरोपी सनी सिंह को जो विदेशी जिगाना पिस्टल और दूसरे शूटर्स को जो पिस्टल मिली, वो सुंदर भाटी के नेटवर्क से ही पहुंचाई गई थी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि सुंदर सिंह भाटी की अतीक से क्या दुश्मनी थी? क्या सिर्फ सनी सुंदर सिंह भाटी के लिए काम कर रहा था, या फिर तीनों ने अतीक की सुपारी ली थी? क्या सुंदर सिंह भाटी ने ही तीनों शूटरों को इस हत्याकांड के लिए तैयार किया? इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन इन सबके बीच आइए आपको बताते हैं कि सुंदर भाटी आखिर कौन है जिस पर अतीक को मरवाने का शक है। सुंदर भाटी की कहानी की शुरुआत होती है ग्रेटर नोएडा के रिठोरी गांव के रहने वाले नरेश भाटी के साथ दोस्ती की वजह से, जो कि अपने परिवार वालों की मौत का बदला लेने के लिए क्राइम की दुनिया में आया। सबसे पहले उसका संपर्क गाजियाबाद के नामी बदमाश सतबीर गुर्जर से हुआ। इसी गिरोह में ग्रेटर नोएडा के घंघोला का रहने वाला सुंदर सिंह भाटी भी काम करता था। नरेश और सुंदर भाटी जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। दिल्ली सहित पश्चिमी यूपी में दोनों ने मिलकर हत्या, लूट और रंगदारी जैसी वारदातों को अंजाम दिया। इसी दोस्ती की वजह से नरेश भाटी के परिवार वालों की मौत का बदला सुंदर ने लिया। इसके बाद इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। वजह थी एक ट्रक यूनियन पर कब्जा, जिस पर दोनों ही अपना कब्जा जमाना चाहते थे। नरेश ट्रक यूनियन की राजनीति से मुख्य राजनीति में जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का सपना देख रहा था, लेकिन सुंदर उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। इसके बाद साल 2003 में नरेश भाटी जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया और लाल बत्ती में घूमने लगा। ये बात सुंदर भाटी को हजम नहीं हो रही थी और उसने 2003 में नरेश पर हमला बोल दिया। इसके बाद सुंदर ने साल 2004 में नरेश पर फिर से हमला किया। इस दौरान नरेश एक शादी से लौट रहा था, तभी सुंदर ने उसे गोलियों से भून दिया। नरेश भाटी के साथ उसके दो साथी भी मारे गए। लंबे समय से फरार चल रहे सुंदर भाटी को आखिरकार यूपी पुलिस ने साल 2014 में नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। तभी से वो यूपी की जेल में बंद है। 6 अप्रैल 2021 को सुंदर को एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। फिलहाल वो सोनभद्र जिले में अपनी सजा काट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।